दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्ट के जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट के जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनी श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ता तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुष को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और 2024 हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो हजार चौबीस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहाद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुष्म्रैल को 11 अप्रैल 2023 2024 को आलोचना से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और दो हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 सेवन से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 सेवन पॉइंट एट की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है आवेषम को 11 अप्रैल 2023 2024 को आलोचनाओं से को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस डायरेक्ट किया जितू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहाँ नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइर ने तया... तैयार किया और विवेक हर्षन ने तैयार किया है अप्रैल को 11 अप्रैल दो हजार को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजीन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की के इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी मूवी बारे में तो यह कौन आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहाँ नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्सन ने तैयार किया है अप्रैल दो हजार तेईस दो हजार चौबीस को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली तो है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुन सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक मलयालम फिल्म है और दो हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो दस में से सेवन एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनिश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और 2024 हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों ये मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस डायरेक्ट जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहन दास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलुरु में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तैयार किया और संपादन विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुष एम को ग्यारह अप्रैल दो हजार तेईस दो हजार चौबीस को आलोचना होदेशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौतीस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर, से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको फहाद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्यूँकी यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलुरु में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की के इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी मूवी बारे में तो यह कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है अप्रैल दो हजार तेईस दो हजार चौबीस को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है दो की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा की तो आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जितू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रेटिंग रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहाँ नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश सयाम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है ग्यारह अप्रैल दो हजार 2023 2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह है वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनिश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्सन ने तैयार किया है आवेष को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सा... सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुन सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक मलयालम फिल्म है और 2024 हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्ट किया जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू जा मोहन दास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और की घोषणा अगले मई में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलुरु में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनी श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ता तैयार किया और संपादित विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और 2024 हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर, से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह है वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको फहाद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइर ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम ग्यार को ग्यारह अप्रैल दो हजार को आलोचनाओं से को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक बन गई है। यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है दो की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस डायरेक्ट जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है ग्यारह अप्रैल दो हजार 2023 2024 को आलोचनाओं को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा की तो आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहाँ नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइर ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है आवेषन को ग्यारह अप्रैल दो हजार तेईस दो हजार चौबीस को जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्ट किया जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से एट की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गोप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुन सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023 2024 को आलोचनाओं से को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक बास्टर्स बन गई है। यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर, जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च 2023 में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुन सयाम श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचना से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक बन गई है। यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों है यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म प्लेट पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहाद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और की घोषणा अगले मई में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलुरु में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनिश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023-2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और 2024 हजार चौबीस की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आवेशम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्ट किया जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को किया जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहाद फाजिल सजिन गोपू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023 2024 को आलोचना से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है दो की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों ये मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आवेशम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा की तो आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जितू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जीतू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपको फहाद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलुरु में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्षन ने तैयार किया है अप्रैल को 11 अप्रैल 2023-2024 को को आलोचना जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन साजी, गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक ब्लॉकबस्टर बन गई है यह वर्तमान में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है 2024 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अप्रैल को को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी मूवी आवेशम इस जीतू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्टर जितू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 सेवन पॉइंट एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को एट्टी परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको फहद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और आधारिक शीर्ष की घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनीश श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताइन ने तया... तैयार किया और संपादन विवेक हर्षन ने तैयार किया है अप्रैल दो हजार तेईस दो हजार चौबीस को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म तीस करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए मलयालम फिल्म है और है। यह वर्तमान की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है और दो हजार की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप भी आयुषम मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा आज के की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आयुषम मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन से आपको पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा 11 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी मूवी आवेशम इस मूवी को डायरेक्ट किया जित्तू माथवन ने हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया जित्तू माथवन ने जो जाने पहचाने डायरेक्टर है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको देखने को भी मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की आई रीडिंग की तो 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी को 10 में से 7.8 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को 92 परसेंट फ्रेश भी बताया गया है तो यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है और दोस्तों गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को 89 परसेंट पसंद किया गया है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना 89 परसेंट इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्त इस मूवी के अंदर आपका फहाद फाजिल सजिन गुप्पू पूजा मोहनदास मिथुन जयशंकर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रकार मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी दो घंटा इकतालीस मिनट के करीब आपको देखने को भी मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर आप एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओ टी टी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में फिल्म की आधारित घोषणा मार्च दो हजार तेईस में प्रोडक्शन नंबर वन के नाम से की गई थी क्योंकि यह फहद फासिल और दोस्तों की पहली फिल्म है और घोषणा अगले मई में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने बेंगलोर में शुरू हुई है जहां नवंबर के अंत तक इसे पूरा करने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था फिल्म का संगीत सुनी श्याम ने तैयार किया छायांकन समीर ताई ने तया... तैयार किया और संपादित विवेक हर्सन ने तैयार किया है आयुषम को 11 अप्रैल 2023 2024 को आलोचनाओं से जिसे निर्देशन प्रदर्शन विशेष रूप से फैद फाजिल को सजिन गप्पू एक्शन दृश्य छायांकन संगीत और तकनीकी पहलुओं के लिए प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था यह फिल्म 30 करोड़ के बजट के मुकाबले एक करोड़ से अधिक की कमाई करते हुए एक मलयालम फिल्म है और दो की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है दो की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिणी भारतीय फिल्म है और साथ ही दो की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है तो दोस्तों इस इस प्रकार मूवी को एंजॉय कीजिएगा इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलने वाली है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए ये और दोस्तों यह मूवी आपको ओ के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद